हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में जानेंगे जहां हम रहते तो जरूर हैं, लेकिन इस देश के बारे में हम खुद कुछ खास नहीं जानते हैं। मैं अगर आपसे पूछ लूं कि हमारे देश का नेशनल गेम कौन सा है, या हमारे देश की नेशनल लैंग्वेज यानी भाषा कौन सी है, या इंडिया में वो कौन सी ऐसी जगह है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब शायद ही आप जानते होंगे। तो आइए, आपके सारे सवालों के जवाब और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हमारे प्यारे भारत देश के बारे में हम जानते हैं। इससे पहले हम आपको दुनिया के अलग अलग देशों के बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, फिर हमने सोचा कि पहले अपने देश के बारे में जान लेते हैं, यहाँ की कल्चर, ट्रेडिशन, रहन सहन, टूरिस्ट प्लेस और बहुत सारी चीजों के बारे में जानते हैं, उसके बाद दुनिया की सैर पर निकलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं HRK यूनिवर्स, जहाँ हम अलग अलग देशों के बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहते हैं। इंडिया, जो भारत और हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है, इंडिया एरिया के हिसाब से एशिया का रशिया और चाइना के बाद थर्ड और दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है, जो वेस्ट में पाकिस्तान, नॉर्थ में नेपाल, चाइना और भूटान, ईस्ट में बर्मा और दूसरी तरफ वेस्ट में अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और साउथ में इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। यहाँ नॉर्थ में हिमालय, वेस्ट में थार रेगिस्तान और साउथ वेस्ट में मोसिनराम चिरापुंजी। भारत दुनिया में उन देशों में शामिल है जहाँ रेगिस्तान, बर्फ, पहाड़, घने जंगल, ये सारी नेचुरल रिसोर्सेस मौजूद हैं। इंडिया इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, जहां लगभग 143 करोड़ लोग रहते हैं। इंडिया में कुल 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी है, जिनका कल्चर, रहन सहन, भाषा सब एक दूसरे से काफी अलग अलग है और जिसके बारे में आगे आने वाली वीडियोस में हम डिटेल्स में बात करेंगे। इंडिया का एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान है और वहीं सबसे छोटा स्टेट गोवा है। पॉपुलेशन वाइज उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ से ज्यादा है, जो कि पूरे पाकिस्तान से भी ज्यादा है। और अगर उत्तर प्रदेश को एक अलग देश बना दिया जाए तो उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन वाइज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बन जाएगा। और वहीं आबादी के लिहाज से भारत का सबसे छोटा स्टेट सिक्किम है और यहां हर 100 किलोमीटर के बाद आपको एक नई भाषा सुनने मिलेगी। इंडिया में कुल 122 मेजर और 599 दूसरी भाषाएं बोली जाती है, जिनमें हिंदी इंग्लिश को मिलाकर कुल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि हिंदी इंडिया की नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश इंडिया की नेशनल नहीं बल्कि ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इसके साथ यहां कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जहां 78.9% यानी कि 100 करोड़ हिंदूज रहते हैं, तो वहीं 14.28% यानी लगभग 20 करोड़ मुसलमान, 2.3% क्रिश्चियन और दूसरे धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। हिंदू पॉपुलेशन में ये देश दुनिया का सबसे बड़ा देश है और अगर परसेंट वाइज बात करें तो इंडिया नेपाल के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मेजोरिटी देश है। लिटरेसी की बात करें तो इंडिया की लिटरेसी रेट 77.7% है और इसी के साथ इंडिया वर्ल्ड में 128वीं रैंक पर है, जहां बांग्लादेश 129वें रैंक पर, नेपाल 137वें रैंक पर और पाकिस्तान 59% के साथ 147वें रैंक पर है। नेबरिंग कंट्रीज में सिर्फ चाइना 97% के साथ 68वें रैंक पर इंडिया से आगे है। इंडियन करेंसी रुपया है और करेंसी रैंकिंग में इंडियन रुपी वर्ल्ड की 144वें नंबर पर आने वाली करेंसी है, जो डॉलर के मुकाबले काफी छोटी है। एज ऑफ नाउ एक डॉलर की कीमत इंडियन ऑलमोस्ट 84 रुपीज के बराबर होती है। अब जानते हैं इंडिया के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें, जैसे बनारस शहर जिसे वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है, जो दुनिया की ओल्डेस्ट सिटीज में से एक है। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ यह शहर लगभग 5000 साल पुराना है। दोस्तों, आपने अपने बचपन में ये लाल डब्बा तो जरूर देखा होगा। हाँ, वही जिसके मुंह में चिट्ठी यानी लेटर डाला जाता था और पोस्टमैन यानी डाकिया आपके लिए खत लाया करता था। वैसे आज SMS और सोशल प्लेटफॉर्म की वजह से पोस्टमैन सिर्फ सरकारी काम के लिए रह गए हैं और इंडिया में आज भी दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस मौजूद है। जी हाँ, जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर शहर में मौजूद डाल लेक में ये तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस अपने आप में ही एक बहुत हैरत अंगेज चीज है, जो दिखने में नहायत ही खूबसूरत लगता है। वैसे तो बारिश पूरी दुनिया में होती है, लेकिन ये बात आपको हैरान कर देगी कि जहां आपके यहां बारिश साल में सिर्फ 4 महीने होती है, वही इंडिया में दो ऐसी जगह भी हैं जहां बारिश साल के 12 महीने यानी साल भर होती है और रुकने का नाम नहीं लेती। यहां पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। ये इंडिया के मेघालय स्टेट के दो गांव मोसिनराम और चिरापुंजी हैं। मोसिनराम दुनिया की सबसे गीली जगह, जिसे वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ भी कहा जाता है। तो अगर आप गर्मी से परेशान हैं और बारिश की बूंदों का मजा लेना चाहते हैं, तो चले आइए मेघालय के पहाड़ों के बीच बसे हुए इस गांव में। साल के बीच जब भी आपका मन करे जाइए और बारिश की बूंदों का दिल खोल कर मजा लीजिए। भारत, जहां ना जाने कितनी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, जहां की लगभग आधे से ज्यादा आबादी वाले लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वहीं हर स्टेट की अलग अलग भाषाएं भी हैं। ऐसा देश जिसे इंग्लिश भी दूसरे देश ने सिखाई हो, आज वो देश दुनिया का दूसरा और कुछ ही चंद सालों में अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाला देश बन जाएगा। जहां के लगभग 10-15% लोग फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, जो अगले 10 सालों में 4 गुना बढ़ने वाले हैं। दोस्तों, चाय तो लगभग इंडिया का हर आदमी पीता है और हमारे
हमारे यहाँ तो नुक्कड़ और होटलों में रात भर चाय के दीवाने नजर आते हैं। किसी को सुबह उठने के बाद चाय तो किसी को रात में सोने से पहले चाय। पर क्या आप जानते हैं कि चाय में जिसकी वजह से नशा आता है, जैसे कि चाय पत्ती, दूध, शक्कर, जिसके बिना आपकी चाय अधूरी होगी, हमारा भारत देश इन तीनों सेक्टर यानी दूध, शक्कर और चाय की पत्ती पैदा करने में दुनिया में नंबर वन पर है। तो आप दिन भर चाय पीजिए, ये पूरी तरह मेड इन इंडिया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत जो कि एक सनातनी धर्म यानी हिंदू मेजोरिटी वाला देश है, जो कि कुल आबादी का लगभग 80% है, तो वहीं मुस्लिम आबादी सिर्फ 14% के आसपास है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद किसी अरेबिक या मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री में नहीं, बल्कि हमारे देश भारत में है, जहां सिर्फ 6 लाख से ज्यादा नोटेबल मस्जिदें हैं, जिनमें कुछ जैसे न्यू दिल्ली की जामा मस्जिद, भोपाल की ताजुल मस्जिद और ढेर सारी मस्जिदें हमारे प्यारे देश भारत में है। इस पर आप मुझे एक सवाल का जवाब कमेंट में बताइए कि दुनिया में सबसे ज्यादा मंदिर किस देश में है। मुझे पता है कि 90% लोग जवाब गलत देंगे। अगर आपको पता है तो जल्दी कमेंट कीजिए। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है और एक वीडियो में इंडिया की इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देना है नामुमकिन है। इसलिए हम आपके लिए इंडिया के 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरी के बारे में एक एक करके अलग अलग डिटेल्स में वीडियो बनाकर आपको पूरे इंडिया के बारे में बताएंगे। इंडिया के ब्रीफ नॉलेज, टूरिस्ट प्लेस और हर स्टेट के कल्चर और वहाँ के एडवेंचर टूर पर आपको ले जाएंगे। उम्मीद है आपको बहुत मजा आएगा। आज का सफर यहीं खत्म करते हैं। मुझे तो पता है कि आप भारत देश से प्यार करते हैं और हमारी वीडियो को भी प्यार करेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, अगले वीडियो में हम इंडिया के सबसे बड़े स्टेट राजस्थान के सफर पर जाएंगे। उसके लिए हमारे चैनल HRK यूनिवर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड लास्टली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।